इस बार तय समय से पहले ही संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है। 29 दिसंबर के बदले आज से ही संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है। हालांकि संसद का शीतकालीन सत्र पहले 29 दिसंबर तक प्रस्तावित था, लेकिन आज 23 दिसंबर शुक्रवार को ही संसद का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों में इस शीतकालीन सत्र के दौरान कई बड़े काम हुए। हालांकि हो हल्ला की भी स्थिति उत्पन्न हुई थी। लोकसभा की बात करें तो इसकी कार्य उत्पादकता लगभग 97% रही। लोकसभा की 13 बैठकों में 68 घंटे 42 मिनट तक कामकाज हुआ। वहीं राज्यसभा में 102% कामकाज हुआ। अपने संबोधन में राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उच्च सदन में 63 घंटे 20 मिनट का कामकाज निर्धारित हुआ था, जबकि यह 64 घंटे 50 मिनट तक चला। दोनों ही सदनों में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की गई और कई को पारित भी किए गए। हालांकि संसद के शीतकालीन सत्र में चीन के मुद्दे को लेकर विपक्ष जबरदस्त तरीके से सरकार पर हमलावर रही। तवांग में 9 दिसंबर को चीन के साथ हुई थी झड़प को लेकर विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा था, हालांकि चर्चा नहीं हो सकी। दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के मुद्दे पर साफ तौर पर कहा था कि चीनी सेना LC पर एकतरफा स्थिति को बदलने की कोशिश कर रही थी। भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निचले सदन में कहा कि 17वीं लोकसभा का 10वां सत्र समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सत्र में 9 निर्वाचित सदस्य के रूप में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने भी शपथ ली। इस दौरान लोकसभा के वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए की अनुदान की अनुपूरक मांगों और 2019-20 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों को मंजूरी दी। इस पर 100 घंटे 53 मिनट चर्चा हुई। सत्र के दौरान 9 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 7 विधेयकों को सदन ने पारित किया। इसके अलावा सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के 374 विषय उठाए। साथ ही नियम 377 के तहत सदस्यों ने 298 मुद्दे उठाए। सत्र में स्थायी समितियों के 36 प्रतिवेदन रखे गए और मंत्रियों ने महत्वपूर्ण विषयों पर 23 वक्तव्य रखे। अध्यक्ष ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान 56 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को चर्चा पर पारित किया गया और कई जरूरी मामलों पर सदन में चर्चाएं हुई। सत्र के दौरान धनखड़ ने बतौर सभापति पहली बार सदन की कार्रवाई का संचालन किया। राज्यसभा में तमिलनाडु तथा कुछ अन्य राज्यों की विभिन्न जातियों को अनुसूचित जनजातियों में डालने संबंधी विधेयकों को समुद्री मार्ग पर जहाजों को लूटने वाले दस्युओं पर शिकंजा कसने और महानगरों के माध्यम से व्यापार को प्रभावी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत समुद्री जलयस्ता रोधी विधेयक 2022 को भी मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के त्वांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के मुद्दे पर तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड महामारी के संबंध में बयान दिया। सत्र के दौरान उच्च सदन ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा उन्हें पहले ही पारित कर चुकी थी।